अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एमएस एक्सेल में प्रॉफिट या लॉस मालूम करेंगे कि एमएस एक्सेल में प्रॉफिट या लॉस को किस तरह से मालूम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप 1 ईयर का प्रॉफिट या लॉस मालूम करना चाहते हैं कि 1 ईयर में आपको कहाँ कहाँ से इनकम आई और उस इनकम में से आपके एक्सपेंसेस अखराजात कितने हुए, यानी कि इन सब का टोटल करके और माइनस करके कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो इस कैटेगरी से मैं आपको आज एमएस एक्सेल में प्रॉफिट या लॉस मालूम करने का सिखाऊंगा। तो जी दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले आपने व्यू पे जाके इसकी गिल्ड लाइन को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे आपने टाइप करना है इनकम इनकम, और उसके बाद आपने नेक्स्ट में 2001, इसी हिसाब से 2002 और 2003 कि आपको 2001 में कितनी प्रॉफिट या लॉस हुआ, इसी तरह 2 में और 3 में। तो हम इसकी कैलकुलेट करते हैं। तो आपने सेलेक्ट करके तो यहाँ से इसका बॉर्डर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है आपको होटल से आ रही है इनकम, उसके बाद आपको बस, उसके बाद आपको कॉलेज से आ रही है। तो होटल से आपको आ रही है 25,000, उसके बाद बस से आपको आ रही है 45,000, और इसी तरह कॉलेज से आपको आ रही है 8,500, 8,500। उसके बाद आपने इसका टोटल करना है, टोटल यहाँ से सिलेक्ट करके तो इसकी टॉप ऑर्डर, इसी से आपके आपने एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस तो यहाँ पे खर्चा आपको आ रहा है फूड का, उसी हिसाब से आपको आ रहे हैं खर्चा फीस, सॉरी फीस और वाटर। तो एक्सपेंसेस आप कितने हैं 2001 के, फूड से आपको आ रहा है 4,500, फीस से आपको आ रहे हैं 8,600 और वाटर से आपको आ रहा है 2,300। तो इसका यहाँ पे टोटल करेंगे, टोटल तो इसको सिलेक्ट करके इसकी टॉप ऑर्डर्स, उसके अलावा आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके तो इस पे सिलेक्ट करना है। तो आपने सिर्फ इन तीन चीज़ों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपने इंटर कर देना है, उसी हिसाब से आपने इसको भी इस तरह से इंटर करना है। तो आपने सिर्फ, सॉरी यहाँ पे लाइन लगाना हम भूल गए, चलो इसका हम कर लेते हैं इंटर। उसके बाद यहाँ पे इस हिसाब से, तो अब आपने यहाँ पे प्रॉफिट मालूम करना है, प्रॉफिट तो यहाँ पे हम एक बॉक्स ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। तो इक्वल का साइन आपने इनकम ऐड करनी है, इसमें से माइनस आपने एक्सपेंसेस कर देना है, तो इंटर कर देना है। तो आपको 63,200 रुपये प्रॉफिट हुआ है। अगर आप फीस की रकम को बढ़ा देते हैं, आप कर देते हैं 78,000, तो इंटर करेंगे तो आप लॉस में जाएंगे। तो इसी तरह आप इसकी कम ही रहने दें। तो आपको इसी तरह से जैसे जैसे आप, अगर आप इनकम बढ़ाएंगे, कॉलेज की आपकी इनकम है 7,800, तो इंटर करेंगे तो इसी हिसाब से ये कम या ज़्यादा होता जाएगा। अगर आप इसमें वाटर की करते हैं 7,800, तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। अगर आप इसकी करते हैं 78,000,
तो आपको आप लॉस में जाएंगे। तो आप इसी तरह सिंपल्स, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।